हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कीबोर्ड। आपने बहुत सारे कीबोर्ड सोचे होंगे कि कौन सा रहना है कौन सा नहीं रहना, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट कौन सा रहेगा और क्या फ़र्क होता है अलग अलग कीबोर्ड में, जो एज के हिसाब से होता है। वैसे तो 8 साल के बच्चे हो गए या 5 साल के हो गए हैं, क्या उनसे बिगनर चाहिए, बिगनर के लिए अलग होते हैं, आपको चेंज ना करना पड़े, अलग अलग मॉडल आते हैं और जितना हायर जाते रहोगे मॉडल्स में तो उस हिसाब से आपको टोन्स, फंक्शंस, स्मूथनेस, साउंड काफ़ी अच्छा मिलता जाएगा। मैं आज बात करूंगा कैसियो 870 इन, काफ़ी अच्छा मॉडल है। इसमें इंडियन टोन्स भी हैं, वेस्टर्न भी हैं और 61 की गए, इसमें पिच बटन भी है। इसमें देखो फंक्शन देख लो, पहले इसमें टोन्स हैं, रिदम्स हैं, सॉन्ग्स हैं और ये कैटेगरी है, और रिकॉर्डिंग का फंक्शन भी है इसमें। इसमें 1, 2, 3 फंक्शन वगैरह, टैप वगैरह, टेम्पो तेज करना धीरे करने के लिए, टच सेंस भी है, पियानो ऑर्गन भी है, म्यूजिक स्टार्ट करने के लिए भी है, पॉज करने के लिए, फॉरवर्ड वगैरह, रिपीट, वॉल्यूम, इसको कहते हैं पिच। पिच के लिए होता है। और इसमें फंक्शन देख लो आगे, ये USB से कनेक्ट हो जाएगा, आप USB लगा सकते हैं इस पर, और ये आप लैपटॉप में अटैच करने के लिए। ये इसका आउटपुट हो गया, ये अडॉप्टर हो गया, ये हेडफोन लगाने के लिए, और ये पैडल यूज़ करने के लिए, जो वॉल्यूम वगैरह के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं 160 सॉन्ग्स हैं और रिदम्स है इसमें 195 रिदम्स है, वो भी इंडियन है मतलब। और उसके बाद देखते हैं टोन सबसे ज़्यादा है, 600 टोन है इसमें। और इसमें जो प्ले करने के, जैसे हम प्ले करते हैं, काफ़ी स्मूथ है, जो नॉर्मल कीबोर्ड 50-50 से आता है उसका भी ऐसा ही है टच, बस ये थोड़ा और बेटर है। ये आपका बिगनर हो या उसके बाद आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये लास्ट टाइम तक चलता रहेगा। बट अगर आपने पूरा फंक्शन वगैरह कंप्लीट कर दिया, आपने सीख लिया सारा कुछ, तो आप अपग्रेड कर सकते हो इसको, नहीं जानी हुए सारे फंक्शन में मिल जाएंगे आपको। और आपको एक और चीज़ बताऊँ कि बच्चों के लिए अलग होते हैं कीबोर्ड, बड़ों के लिए अलग होंगे, और क्या क्या फ़र्क होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मॉडल आएगा आपका 47 SA 47 46, ये दोनों सेम ही है, कलर का फर्क है, फंक्शन दोनों के सेम होते हैं। एक ये मॉडल आता है जो आपका 32 कीज में है, और इससे आप बड़ा ले लोगे तो साइज इसका बढ़ जाएगा, ये 44 कीज का हो जाएगा, और फंक्शन दोनों के सेम रहेंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और आज के लिए यही था कि बेसिक्स मॉडल और बेस्ट रेंज में ये आपको सस्ता मिल जाएगा, जिसमें सारे फंक्शन मिल जाएंगे, इंडियन ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। यामा वगैरह में ये फ़र्क होता है कि इसमें टोन्स ज़्यादा देता है वो, ये और यामा का अब जब ऊपर मॉडल हो गए ना, काफ़ी E463 हो गया, I400 हो गया, I500 हो गया, वो आपको साउंड भी अच्छा मिलेगा उसका और उसकी क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, पर आपको ऊपर मॉडल लेने पड़ेंगे। और अगली वीडियो के लिए आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लो आप, और मैं जल्दी मिलूँगा।